आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। अभी पूरी पीठ के जो प्रतिनिधि अवनीश जी और आलोक जी और राजेश ब्रह्मचारी जी यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने हम लोगों को बताया कि हमने चुनाव आयोग को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को ये शिकायत दी है और वो शिकायत उन्होंने ये लिखित रूप से हमको उपलब्ध भी कराई है कि ये शिकायत हमने दी है, तो उन्होंने किया है। लेकिन हम तो समझते हैं कि हम किसको शिकायत करें, सच्चाई जो है वो आपको बता देते हैं और इसमें जनता ही निर्णय करेगी। अच्छी है, विरोध के दो तरीके हैं देश में, एक है दीवानी और दूसरा है फौजदारी। फौजदारी हम नहीं कर सकते कि किसी को जाके पकड़ करके और उसके कपड़े को खींच करके फेंक दें, ये करना गैरकानूनी है। और दीवानी हम करते हैं तो आज अगर करेंगे तो 40-50 साल बाद फैसला हो पाएगा, कहाँ निर्णय आता है हमारे देश की न्यायालयों में। इस स्थिति में बहुत सारे केस हम लोगों ने किए लेकिन उनके निर्णय अभी तक नहीं आते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जो सनातन धर्मियों की पद्धति है, उस सनातन धर्मियों की पद्धति में वो सन्यासी नहीं हैं, वो आर्य समाजी हैं और उन्होंने जो वक्तव्य विगत दिनों दिया है, निश्चित रूप से हम लोग उसके विपक्ष में हैं। हम लोगों के हृदय में पीड़ा है और गेरुआ जो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है और अपने नाम के आगे बाबा या स्वामी जो लगाते हैं, वो निश्चित रूप से उनकी गिरी हुई भाषा के कारण उस पर आँच आई है। देखिए, हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं इस बात को समाचार के चैनलों में देखकर और समाचार पत्रों में पढ़ करके कि दो दो शंकराचार्य मोदी के विरोध में काशी आ रहे हैं और उसमें हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का नाम लिया गया है। और ये कहा गया है कुछ समाचार पत्रों में कि वो चूँकि वृद्ध हैं इसलिए नहीं आ सकते हैं, उनकी जगह पर हमारा नाम लिखा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद मोदी के प्रचार विरुद्ध प्रचार की कमान संभालेंगे उनकी तरफ से। ये शोध का विषय है हम लोगों के लिए और हम लोगों का ध्यान निश्चित रूप से इस तरफ निरंतर बना रहेगा कि देश की जो जिम्मेदार मीडिया है, जिसको देख करके आज लोग अपना मन बनाते हैं या विरत होते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव मीडिया ने समाज में स्थापित कर लिया है, वो मीडिया तथ्यविहीन खबरों को कैसे आगे बढ़ाती है ये समझ में नहीं आ रहा है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज इस समय मध्य प्रदेश में हैं, वो वहीं पर अभी अगले 9-10 दिनों तक रहने वाले हैं, उनका काशी में आने का ना तो अभी और ना तो निकट भविष्य में कोई कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में वो काशी आ रहे हैं या वो काशी में मोदी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं, ये खबर कहाँ से मीडिया को मिल गई है और कैसे ये पूरे देश में प्रचारित हो रही है ये हम लोग नहीं जानते हैं। साथ ही एक ऐसे आदमी का नाम शंकराचार्य के रूप में मीडिया ने निरूपित कर दिया है जो शंकराचार्य नहीं है, बहुरूपिया है, शंकराचार्य का भेष धारण करके भिक्षा मांग करके अपना काम चला रहा है और उड़ीसा की सरकार ने पूरी प्रवेश पर उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश हैं और दूसरी जांच भी उसके खिलाफ चल रही है, बहुत ही शंका है उसके चरित्र के विषय में भी। ऐसे व्यक्ति को पूरी पीठ का शंकराचार्य बना करके पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के नाम के साथ छापा गया है, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये बात नितांत भ्रामक है क्योंकि शंकराचार्य सनातन धर्म का सर्वोच्च आचार्य पद है। स्वतंत्रता मिली लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता भी मिल गई, मर्यादाएं सब टूट गईं। आज जिसको मनाता है वही अपने आप को स्वामी, जिसको मनाता है वही अपने आप को सन्यासी, जिसको मनाता है वही अपने आप को राष्ट्र संत, वही जो है राष्ट्र विभूति बन करके आपके सामने आ जाता है और आप लोग उसको चैनल पे आधे आधे घंटे का समय देते हो और अखबारों में उसके समाचार छापते हो, फोटो छापते हो। जब उससे कोई पूछता है कि आप बताइए आपके पास क्या प्रमाण है कि आप शंकराचार्य हैं, आप अमुक हैं, तो वो पेपर की कटिंग निकाल के फाइल रख देता है कि देखिए ये हमारे पास प्रमाण है, इसी को प्रमाण बना करके वो जनता के सामने जाता है और ठगता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस जिम्मेदारी को समझना होगा। हम उनको नहीं मानते संत, वो एक योगी हैं, आर्य समाज के सदस्य हैं और सन्यासी की जो हमारे यहाँ परिभाषी है, हमारे यहाँ 10 नाम से सन्यासी हैं, गिरी पुरी भारती वन अरण्य पर्वत सागर तीर्थ आश्रम सरस्वती, ये 10 नाम हैं। यही 10 नाम के लोग सन्यासी कहे जा सकते हैं, इन्हीं के नाम के आगे स्वामी लगता है। और 4 ब्रह्मचारी हैं, चैतन्य प्रकाश आनंद और स्वरूप, ये 14 नाम हैं। ये 14 नाम ही धर्मशास्त्र में बताया गया है स्वामी क्यों कहा जाता है, तो स्वामी इसीलिए कहा जाता है यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोर्दन्नम अदत्वा हि यो भुंक्ते स्तेन एव सः। धर्मशास्त्र में ये विधान है कि पका हुआ जो अन्न है गृहस्थ के यहाँ उसके स्वामी ये 14 लोग हैं, सन्यासी और ये ब्रह्मचारी।
तो इसके कारण वो स्वामी कहे जाते हैं, क्योंकि पके हुए भोजन के मालिक हैं वो, पहले उनको खिलाइए तब खाइए, क्योंकि शास्त्र ने उनको स्वयं भोजन पकाने की आज्ञा नहीं दी है, गृहस्थ के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि तुम पवित्रता से भोजन मनाना और जब यति और ब्रह्मचारी आए तो उसको खिला के तब भोजन करना। तो उनको उस पके हुए अन्न का स्वामी माना जाता है, इसीलिए वो स्वामी कहे जाते हैं। ऐसा थोड़े है कि नाम है कि मिस्टर मिसेस जिससे नाम के साथ चाहो जोड़ दो, ये स्वामी जो है इसका तात्पर्य है, शास्त्र का एक निर्दिष्ट विधान है, उस विधान को जो पालन करे वो स्वामी, कोई भी कैसे स्वामी हो सकता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा पहन लेता है और कोई भी अपने नाम के आगे कुछ भी आगे पीछे लगा लेता है और उसको समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते?